हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए भर्ती को लेके कुछ बदलाव हुआ है, जिसके बारे में आपके पास मैं ये न्यूज लेके आया हूँ। और बहुत ही अच्छा ये बदलाव हुआ है, ये आपको बहुत ही अच्छी खुशी होगी जान करके। तो दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे और दूसरी बात ये जानेंगे कि फॉर्म आपका भर्ती जो ये है कब तक आने वाली है। तो जो अभी मीटिंग में ये निर्णय हुआ है और जो भी हमारे तक खबर पहुंची है, तो वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ जो होगी वो मिलती रहेगी लगातार। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं कि किससे रिलेटेड खबर है ये। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कौन सी डिग्री चाहिए इसमें, ये सबसे बड़ा कयास बना हुआ है स्टूडेंट्स में। तो आपने 2018 में देखा था, तो वहाँ पे बीएससी एजी मांगा हुआ था और बीटेक एजी मांगा हुआ था, बीएससी होम साइंस मांगा हुआ था। तो इस बार कौन कौन सी भर्ती को और एलिजिबल किया है इसमें, थोड़ा सा दोस्तों इससे कंपटीशन आपका बढ़ने वाला भी है। बट ये भी उन स्टूडेंट्स के लिए खुशी है जो कि एलिजिबल हो रहे हैं। तो आइए आपको मैं बताता हूँ। तो वीडियो बहुत लंबी ना करके सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो बीएससी एजी जो है आपका ये रहेगा, बीएससी एजी वाले कैंडिडेट्स भर सकते हैं, बीएससी होम साइंस जिनका है वो भर सकते हैं, बीएससी एजी ऑनर्स जो हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। और कौन भर सकता है, तो नेक्स्ट आते हैं हॉर्टिकल्चर से जो हैं बीएससी वो भर सकते हैं। और फॉरेस्ट्री का भी आ रहा है कि फॉरेस्ट्री वाले कैंडिडेट्स भी मे बी कि भर सकते हैं, उनको चांस मिल सकता है। बट ये जो आपको बताया है मैंने ऊपर, ये सब कंफर्म है, बीटेक एजी भी भर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर को भी इस बार लिया जा रहा है। तो जो लोग एलिजिबल हो रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है। और दोस्तों, इससे कंपटीशन बढ़ेगा ये आप मान के चलिए, क्योंकि अभी तक एक कमी जो था वो एक क्राउड था। बट अभी क्या है कि लोग वेट भी कर रहे हैं, दो साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो काफ़ी क्राउड बढ़ भी चुका है। बहरहाल, इससे नहीं डरना है आपको, आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। तो आगे देखते हैं क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके लिए स्ट्रेटजी की एक वीडियो बनाऊंगा, और कैसे हाईएस्ट स्कोर किया जाए उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि सिलेबस में भी बदलाव होने वाला है, बदलाव सब्जेक्ट के स्तर पे नहीं होने वाला है, सिर्फ क्वेश्चंस का बदलाव होगा सिलेबस में। जो आपके क्वेश्चन रहते थे 50-50 क्वेश्चन रहते थे, वो आपके क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका एक और फैक्टर, आप जानते हैं कि एजीटीए में हिंदी और रीजनिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाता है सिलेक्शन के मायने में। आपने देखा था 2018 में जो वैकेंसी हुई थी, उसमें भी 100 क्वेश्चन तो हिंदी और रीजनिंग के ही थे, 50-50 करके। तो इसमें भी ऐसे ही रेशियो सेम रहेगा, बट क्वेश्चन कम हो जाएंगे, यही सिलेबस में अंतर होगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बारे में एक अलग वीडियो डाल दूँगा मैं, सिलेबस से रिलेटेड और स्ट्रेटजी से रिलेटेड कैसे तैयारी करें। तो अब सबसे बड़ी बात जिससे सब लोग परेशान हैं कि भर्ती आएगी कब, ये इसको जानने के लिए। तो दोस्तों, भर्ती जो आने की अभी न्यूज मिल रही है, ये 15 अप्रैल के बाद कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बना के रखिए। 15 अप्रैल के बाद जो अभी मेरे पास न्यूज आई है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है कि 15 अप्रैल के बाद कभी भी आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इसलिए आप लोग रेडी रहिए बिल्कुल, और तैयारी में लगे रहिए जी। दोस्तों, यही आपको जानकारी देनी थी। तो जो लोग नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अपना ढेर सारा प्यार दें, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।